चाणक्य समसामयिकी विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है हवाना सिंड्रोम। इस विषय के अंतर्गत हम देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों है, हवाना सिंड्रोम क्या है और इससे संबंधित समिति की रिपोर्ट क्या है, समिति ने अध्ययन के दौरान किन चुनौतियों का सामना किया और अंत में हम माइक्रोवेव हथियार के बारे में बात करेंगे। विषय को प्रारंभ करने से पहले हम इससे संबंधित प्रश्न पर विचार करेंगे। आज का प्रश्न है, हवाना सिंड्रोम से संबंधित कथनों में से असत्य कथन है। विकल्प ए, 2016 के अंत में हवाना में तैनात अमेरिकी राजनयिकों और अन्य कर्मचारियों ने मतली, गंभीर सिरदर्द, थकान, चक्कर आना, नींद की समस्याएं आदि का अनुभव किया। इन्हें तभी से हवाना सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है। विकल्प बी, माइक्रोवेव हथियारों को सिंड्रोम का कारण बताया गया है। विकल्प सी, इनमें से सभी में लक्षण समान नहीं थे। विकल्प डी, ए, बी और सी तीनों सही हैं। प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से सुने। यह चर्चा में क्यों है, अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान समिति अकादमी की बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट में कहा गया है कि संभावना है कि चीन और क्यूबा में अमेरिकी राजनयिक निर्दिष्ट माइक्रोवेव विकिरण के कारण बीमार हुए थे। विदेश विभाग ने यह अध्ययन किया था और जारी की गई रिपोर्ट वर्ष 2016 में हवाना में अमेरिकी राजनयिकों के अचानक किसी रहस्यमय बीमारी की चपेट में आने के मामले का पता लगाने की कड़ी में नया प्रयास माना जा रहा है। ना तो विदेश विभाग और ना ही एफबीआई ने सार्वजनिक रूप से माइक्रोवेव हथियारों को सिंड्रोम का कारण बताया है। अमेरिकी अध्ययन में यह पाया गया कि बीमारी पल्स रेडियो फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव ऊर्जा के कारण विकसित हुई हो सकती है। इस प्रकार की बीमारी पूर्व में सोवियत संघ में भी सामने आई थी। हवाना सिंड्रोम क्या है? 2016 के अंत में हवाना में तैनात अमेरिकी राजनयिकों और अन्य कर्मचारियों ने अजीब आवाजें सुनने और अपने होटल के कमरे या घरों में अजीब शारीरिक उत्तेजना का अनुभव करने के बाद बीमार महसूस किया। लक्षणों में मतली, गंभीर सिरदर्द, थकान, चक्कर आना, नींद की समस्याएं और सुनवाई हानि शामिल हैं, जिन्हें तब से हवाना सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है। अमेरिकी अधिकारियों के खिलाफ गुप्त रूप से सोनिक वेपन का इस्तेमाल किया गया था। क्यूबा और चीन में 2 दर्जन से अधिक अमेरिकी राजनयिकों और उनके परिवारों के सदस्यों और हवाना में कम से कम 14 कैनेडाई नागरिकों को समान लक्षण अनुभव हुए। समिति की रिपोर्ट के बारे में, औषधि और अन्य क्षेत्रों में 19 विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा NAS रिपोर्ट को अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को विदेशी दूतावासों में बीमारी का आंकलन शीर्षक दिया गया है। इसमें संक्रमण, रसायन, मनोवैज्ञानिक कारक और माइक्रोवेव ऊर्जा की व्याख्या करने के लिए 4 संभावनाओं की जांच की गई है। विशेषज्ञों ने लगभग 40 सरकारी कर्मचारियों के लक्षणों की जांच की है। अध्ययन के दौरान किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इसकी रिपोर्ट में समिति ने कहा है कि इस चिकित्सा रहस्य की तह तक जाने में उन्हें कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इनमें से सभी में लक्षण समान नहीं थे और नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस रिसर्च बीमारी पर अतीत में हुए सभी अध्ययनों के नतीजे हासिल नहीं कर सकी, जिनमें से कुछ गोपनीय थे। समिति ने पाया कि ये मामले काफी चिंताजनक हैं। ना सिर्फ निर्दिष्ट प्लस रेडियो फ्रीक्वेंसी ऊर्जा को एक तंत्र के रूप में इस्तेमाल करने की भूमिका के संदर्भ में, बल्कि उन अहम दिक्कतों के कारण भी जो उनमें से कुछ लोगों में पैदा हुई हैं। समिति ने इन विशिष्ट मामलों और भविष्य में सामने आ सकने वाले मामलों से एक ठोस, समन्वित और व्यापक दृष्टिकोण के साथ निपटने की आवश्यकता महसूस की। माइक्रोवेव हथियार क्या है?
माइक्रोवेव हथियार को डायरेक्ट एनर्जी वेपन भी कहा जाता है। इसके दायरे में लेजर और माइक्रोवेव वेपन दोनों ही आते हैं। ये माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का रूप होती हैं। इनकी वेबलेंथ 1 मिमी से लेकर 1 मीटर जितनी होती है। इनकी फ्रीक्वेंसी 300 मेगाहर्ट्ज और 300 गीगाहर्ट्ज के बीच होती है। इन हथियारों को जमीन से हवा में, हवा से जमीन में या जमीन से जमीन में इस्तेमाल किया जा सकता है। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प बी। आज के वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया है उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।